नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी है चिकन भुना मसाला। कभी आपका कुछ बढ़िया खाने को मन करे और वो रेगुलर ग्रेवी चिकन खा के अगर आप थक गए हों तो ये रेसिपी आपके बहुत काम आने वाली है, जिसमें बहुत ही कम मसाले डलेंगे और ये बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। रेसिपी शुरू करने से पहले आप सबसे एक बार फिर से गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए बनाना शुरू करते हैं चिकन भुना मसाला। चिकन भुना मसाला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक हांडी ली है। इसमें हम मस्टर्ड ऑयल डालेंगे 4 टेबलस्पून। ये बिल्कुल ड्राई चिकन होता है तो इसमें थोड़ा सा ऑयल जो है वो ज़्यादा लगता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तेल थोड़ा गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें थोड़ी लाल मिर्च डालेंगे। 4 लाल मिर्च डाली है मैंने, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा डाला है मैंने, 4-5 ये हरी इलायची हैं, 4-5 लौंग डालेंगे इसके अंदर। आप चाहें तो लौंग के फूल निकाल कर भी डाल सकते हैं। ये लौंग डाल दी, इसके बाद हम इसमें एक बड़ी इलायची डालेंगे जो ब्लैक कार्डमम होती है, और 7 से 8 हम इसमें काली मिर्च या ब्लैक पेपर डालेंगे। मसालों को अब हम थोड़ा सा इसके अंदर भून लेंगे ताकि हमारे मसालों का जो फ्लेवर है वो हमारे ऑयल में आ जाए। तो ये देखिए हमारे मसाले भुन गए। अब इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। घर पे बना हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट ले लीजिए या आप बाज़ार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद हाई फ्लेम पर हम 1 मिनट तक ये अदरक लहसुन के पेस्ट को थोड़ा भुन लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट भुन गया, उसके बाद ये 6 मीडियम साइज़ की प्याज ली है जिसे हमने बिल्कुल बारीक काट लिया है, छोटा छोटा काट लिया है, और उसे अब हम इसके अंदर डालेंगे। अब इसे पहले हाई फ्लेम पर 2 मिनट तक आप फ्राई करें और उसके बाद अब हम इसे तब तक भुनेंगे जब तक कि हमारी प्याज जो है वो बढ़िया गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती है। तो प्याज को भून लेते हैं पहले। ये देखिए इसे ये हाई फ्लेम पर 2 मिनट हो गया, अब इसे हम भुनेंगे। इसमें थोड़ा सा आप चाहें तो नमक भी मिला सकते हैं जिससे कि जो प्याज है वो गलने में आपको मदद मिलेगी। तो ये इसमें मैंने थोड़ा नमक डाल दिया है और उसके बाद अब हम इसे भुनेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती है। और ये देखिए अब हमारी प्याज बिल्कुल बढ़िया गोल्डन ब्राउन हो गई है। ये देखिए इससे ज़्यादा आप अगर इसे भुनेंगे तो ये जल सकती है। अब इसके बाद हम इसमें 4 मीडियम साइज़ के टमाटर डालेंगे। टमाटर को बिल्कुल बारीक काट लीजिए। आप चाहें तो उसे ब्लांच करके यानी हल्का उबाल के और छिलके निकाल कर भी डाल सकते हैं, या वैसे आप चाहें तो बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस काट कर इसके अंदर डाल दीजिए। अब टमाटर को हम तब तक भुनेंगे जब तक कि टमाटर हमारे रिड्यूस नहीं हो जाते हैं, और जब ये आधे रिड्यूस हो जाएंगे उसके बाद हम इसमें अपने मसाले भी ऐड करेंगे। तो ये अभी इसे थोड़ी देर तक हम भुनेंगे। ये देखिए आप चाहें तो इसे ढककर भी भून सकते हैं, तो मैं इस पर ढक्कन लगा देता हूँ और मीडियम या मीडियम लो फ्लेम पर हम इसे भून लेंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छी तरीके से पक भी जाएं, रिड्यूस भी हो जाएं और उनका जो पानी है वो कम हो जाए। ये देखिए लगभग 5 से 7 मिनट तक भुनने के बाद ये ढक्कन हटाकर देखिए ये इसमें से पानी सूखना शुरू हो गया है। अभी पूरा नहीं सूखा है पानी, ये देखिए इसमें हल्का हल्का पानी अभी भी है। ये देखिए इस रेसिपी में हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, ये इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसलिए टमाटर भूनते समय भी आप ये ध्यान रखें कि टमाटर बिल्कुल सही जो है वो सूख ना जाए, उससे पहले ही हमको इसमें मसाले ऐड करने हैं। तो जब इस स्टेज पे हमारा टमाटर पहुंच जाए तो हम इसमें 1/2 टीस्पून के बराबर हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें धनिया का पाउडर डालेंगे। तो ये हो गया, धनिया का पाउडर भी डाल दिया। अब आप इसे 2 मिनट तक लो फ्लेम पर फ्राई करिए। मसाले चूंकि आपने इसमें पानी नहीं डाला है तो इसे हाई फ्लेम पर नहीं कुक करिए, नहीं तो आपके मसाले जल सकते हैं। तो अभी 2 मिनट तक हम इसे पहले लो फ्लेम पर भुनेंगे टमाटर के साथ। ये देखिए 2-2.5 मिनट तक आराम से इसे मैंने भुना है और उसके बाद अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। तो ये 1 kg चिकन मैं इसके अंदर डालता हूं। ये देखिए ये डाल दिया हमने इसके अंदर चिकन। चिकन को अच्छी तरीके से पहले हमने धोकर रख लिया था और इसे अब हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है।
चिकन डालने के बाद अब आप फ्लेम को हाई कर दीजिए और हाई फ्लेम करके बिल्कुल हाई फ्लेम पर 2 मिनट तक हम पहले चिकन को मसालों के साथ भुनेंगे और उसके बाद हम इसे ढक्कन लगाकर लो फ्लेम पर, प्रेफरेबली बिल्कुल लो फ्लेम हो या अगर आप चाहें तो लो से थोड़ी ज़्यादा फ्लेम करके हम इसे कुक करेंगे जब तक कि हमारा चिकन ऑलमोस्ट 70% तक कुक नहीं हो जाता है। ये देखिए लगभग 20 से 25 मिनट लगे मुझे इसको भुनते हुए और ये देखिए अब हमारा चिकन आप देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा हड्डी छोड़ना शुरू कर रहा है। इसका मतलब हमारा चिकन ऑलमोस्ट 70-75% तक कुक हो गया। ये देखिए इसे एक बार अच्छी तरीके से चला लेता हूँ पहले ज़रा मैं। ये देखिए अच्छी तरीके से चलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे दही। लगभग 5 टेबलस्पून के बराबर आप दही ले लीजिए और उसे अच्छी तरीके से फेंट लीजिए, यानी विस्प्ड कर्ड जो है वो 5 टेबलस्पून के बराबर हम इसमें डालेंगे। जब आप दही डालें तो ध्यान रखें फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए, चाहे तो आप बंद भी कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसमें ये 1.5 टीस्पून के बराबर गरम मसाला डाल देंगे और उसके बाद हम इसे धीरे धीरे चलाते हुए मिक्स करेंगे। ये देखिए फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दी है, आप चाहें तो बिल्कुल लो फ्लेम पर भी इसको मिक्स कर सकते हैं या चाहें तो फ्लेम को ऑफ करके भी कर सकते हैं। तो मैंने फ़िलहाल लो फ्लेम करी है और उसके बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए चलाते हुए पकाया है और उसके बाद इसे ढक्कन लगाकर तब तक पकाइए जब तक कि आपका चिकन तैयार नहीं हो जाता है। ढक्कन लगा दिया था मैंने, उसके बाद ये ढक्कन हटाया, लगभग 10 मिनट और लगे और ये देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरीके से अब मसाले भी पक गए हैं, दही का जो ऑयल होता है वो भी रिलीज़ हो गया है। तो हमारा जो है चिकन बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें फाइनली थोड़ी सी फ्रेश धनिया की पत्तियां डालेंगे और कुछ हरी मिर्चें डालेंगे हम इसमें, जिसका फ्लेवर इसमें आएगा। आप बिल्कुल खड़ी हरी मिर्चें डाल रहा हूँ मैं ताकि इसका ज़्यादा तीखापन नहीं आए, बट फ्लेवर हरी मिर्च का जो है वो आपकी रेसिपी में आ जाए। तो ये इसमें डाल दिया मैंने, इसे अच्छी तरीके से बस मिक्स करिए और उसके बाद आप फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। हरी मिर्च और धनिया की पत्ती डालने के बाद आपको इसे फर्दर कुक नहीं करना है। ये देखिए फ्लेम को ऑफ कर दिया है मैंने और चलिए अब इसे हम डिश आउट करते हैं, सर्व कर देते हैं। ये देखिए एक बढ़िया सा सर्विंग बोल लीजिए और उसमें आप चिकन को सर्व करिए। आज की रेसिपी उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये देखिए क्या खूबसूरत चिकन तैयार है। इसे बढ़िया चपाती के साथ, पराठे के साथ और अगर पूड़ी के साथ खाएंगे तो आपको मज़ा ही आ जाने वाला है। एक बार फिर से आप सभी से गुजारिश है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।